गुड मॉर्निंग क्लास एल के जी। सब्जेक्ट है बच्चों आपका जीके। तो यहाँ पे देखिए जीके की आपकी बुक है पिक्चर बुक। तो पिक्चर बुक में आपको जो है पिक्चरों से समझाया जाता है कि क्या क्या आप पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है जीके में अभी तक वेजिटेबल्स तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 वेजिटेबल्स हमने पढ़े थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके के हमने यहाँ पे वेजिटेबल्स देखे थे, ठीक है ना। और आपको इसमें रिटन वर्क भी हमने दिया था। और आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 फ्लावर्स। ओके, तो फ्लावर्स भी हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 13 में आपका फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स क्या होते हैं, सबको बहुत पसंद होते हैं, है ना, ठीक है। और फ्लावर से हमको लव करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। उनको तोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी फ्लावर्स होते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आज हम फ्लावर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लू बेल, ओके। ये बेल के जैसा है इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लू बेल। ब्लू कलर का है और बेल के जैसा इसका क्या है, सेप आप देख रहे हैं, ठीक है ना। BLUE ब्लू, BELL बेल, ब्लू बेल। सेकंड यहाँ पे डहलिया, DHLALIA डहलिया। तो डहलिया आमतौर पर सबके घरों में दिखता है, आप लोगों को भी पता होगा बहुत सारे कलर्स के जो हैं डहलिया मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमको येलो कलर का डहलिया दिखाया गया है, ग्रीन कलर का भी जो है डहलिया होता है, रेड कलर का होता है, बहुत सारे वाइट कलर का होता है। तो बहुत सारे कलर के क्या होते हैं, डहलिया। तो DHLIA डहलिया। सेकंड यहाँ पे देखिए डेफोडिल, येलो कलर का होता है ये, DAFFODIL डेफोडिल। हिबिकस, तो हिबिकस भी बहुत तरीके के इनके कलर होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कलर के ये हिबिकस होता है, HIBISCUS हिबिकस। तो यहाँ पे हमको जो है पिंक कलर का हिबिकस दिख रहा है, तो रेड कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है, बहुत सारे कलर के हिबिकस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिली, तो लिली यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रीमी कलर का है, हल्का सा वाइट है, हल्का सा क्या है, येलो कलर इसमें दिया है, LILY लिली। नेक्स्ट है लोटस, LOTUS लोटस। लोटस आप जानते हैं कमल, तो कमल का कलर यहाँ पे देख रहे हैं आप, हल्का सा पिंक कलर, रेड कलर भी होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैरीगोल्ड, सबके घरों में मिलता है मैरीगोल्ड, गेंदा, MARIGOLD मैरीगोल्ड। तो येलो कलर का यहाँ पे आप मैरीगोल्ड देख रहे हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है वो है पैंसी, PANSY पैंसी। तो यहाँ पे देखिए पैंसी में कौन कौन से यहाँ पे कलर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, पर्पल कलर दिख रहा है और येलो कलर शेड उसमें जो है बने हैं। फिर यहाँ पे देखिए पपी, POPPY पपी, रेड कलर के यहाँ पे आपको पपी दिख रहा है। और ये आया आपका रोज़, किंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, फूलों का राजा है रोज़, ROSE रोज़, ROSE रोज़। तो रोज़ भी क्या होते हैं, बहुत सारे कलर के रोज़ होते हैं, अलग अलग कलर के रोज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमको रेड कलर का जो है रोज़ दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए ट्यूलिप, TULIP ट्यूलिप, ट्यूलिप यहाँ पे रेड कलर का हमको दिख रहा है। और लास्ट में है सनफ्लावर, SUNFLOWER सनफ्लावर, सूरजमुखी, ठीक है ना, सूर्य की किरणों में जैसे सन क्या होता है निकलता है, तो सन को देख के ही ये फ्लावर खिलता है, ठीक है ना, तो इसको
सनफ्लावर, इसको कहते हैं सनफ्लावर। इसका सेप भी सनफ्लावर के जैसा होता है, और जहाँ जिस तरीके जिस तरफ सूर्य की किरणें होती हैं उधर की तरफ ये फ्लावर खिलता है, तो ये है सनफ्लावर। तो आज यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको रीडिंग करना है पेज नंबर 13 एंड 14 चैप्टर 9, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए होमवर्क यहाँ पे दिया है बच्चों, LOTUS लोटस, ROSE रोज, DAHLIA डहलिया, LILY लिली, POPPY पपी, TULIP ट्यूलिप। तो यहाँ पे आपने इसी तरीके से इसको 2-2 times अपनी कॉपी पे इसको होमवर्क में लिखना है, ओके। 2-2 times इसको आपको करना है। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फ्लावर्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पे लिली बना सकते हैं, रोज़ का फ्लावर, लोटस का फ्लावर बना सकते हैं, उसमें कलर भी अपनी कॉपी पे वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको फ्लावर बनाना आता है वो फ्लावर भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने लोटस में जिस तरीके से यहाँ पे लोटस दिखाए गए उसी कलर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। रोज़ रेड कलर का दिया तो रेड कलर का हमने इसमें लिखा है, कि डहलिया येलो कलर, लिली येलो कलर, पपी जो है रेड कलर, ट्यूलिप रेड कलर। तो इसी तरीके से आप लोग भी इसको कर सकते हैं, ओके। तो बाय बाय।